नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RBN कंपनी टेक पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने टीवी डिस्प्ले के बारे में देखा और समझा, तो आज हम LED टीवी के बारे में देखेंगे कि अगर हम LED टीवी खरीदना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो पहला फीचर, हाई डेफिनेशन। अगर आप एक अच्छा टीवी खरीदना चाहते हैं तो फुल HD 1080 पिक्सल टीवी खरीदें, जो कि स्क्रीन रेजोल्यूशन के मामले में 720 पिक्सल HD रेडी टीवी से बेहतर होगा। अगर आपका रूम छोटा है तब भी 1080 पिक्सल टीवी ही खरीदना बेहतर रहेगा। दूसरे फीचर्स की बात करें तो स्पीकर साउंड। टीवी खरीदने से पहले उसकी साउंड क्वालिटी और मैक्सिमम साउंड को चेक कर लें। बेहतर रहेगा अगर आप 2.1 चैनल स्पीकर वाला टीवी खरीदें, ताकि टीवी में 5 फीट दूर बैठकर भी मूवी आदि को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर तीसरे फीचर्स की बात करें तो कनेक्टिविटी पोर्ट्स। LED टीवी में कनेक्टिविटी एक अहम फीचर है, जो कि आपको साधारण टीवी में नहीं मिलेगा। ध्यान रहे टीवी में USB पोर्ट, HDMI पोर्ट और ऑडियो जैक जरूर हो, ताकि आप पेन ड्राइव आदि को अटैच कर आसानी से यूज कर सकें। और अगर हम अगले फीचर्स की बात करें तो रिफ्रेश रेट। आपके टीवी की रिफ्रेश रेट स्क्रीन की इमेज प्रति सेकंड रिफ्रेश पर निर्भर करती है। इसे हर्ज में मापा जाता है, इसलिए हो सकता है कि आपके टीवी बॉक्स की लिस्ट 60 हर्ज, 120 हर्ज या फिर 144 हर्ज में हो। आपको बता दें कि हाई रिफ्रेश रेट हमेशा टीवी इमेज के बीच स्मूथ फ्लो बनाते हैं और मोशन ब्लर को कम करते हैं। चलिए अब आगे कुछ स्मार्ट LED टीवी को देखें और उनके फीचर्स को जान लेते हैं। अगर पहली स्मार्ट टीवी की बात करें तो सेनो की तरफ से कैजन एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। और अगर इसकी टीवी फीचर्स की बात करें तो स्क्रीन 32 इंच। अगर इसकी रेजोल्यूशन पिक्सल्स की बात करें तो HD रेडी 1366x768 पिक्सल्स। कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो IPS LED पैनल, बेजललेस इन्फिनिटी डिज़ाइन, 60 हर्ज। साउंड की बात करें तो 20 वाट्स आउटपुट, डिजिटल डॉल्बी। और अगर स्मार्ट टीवी की बात करें तो यस, बिल्ट इन वाईफाई, एंड्रॉयड 9। अगर इसके रैम की बात करें तो 1GB रैम इनबिल्ट है। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इट हैज क्वाड कोर प्रोसेसर। और अगर इसके रिमोट के फंक्शंस की बात करें तो इसमें गूगल असिस्टेंट के बटन, नेटफ्लिक्स और अन्य फीचर्स मौजूद हैं। और अगर हम दूसरे टीवी की बात करें तो रेडमी की तरफ से 4A प्रो। और इसके टीवी फीचर्स की अगर बात करें तो स्क्रीन 32 इंच। और अगर इसके रेजोल्यूशंस की बात करें तो HD रेडी 1366x768 पिक्सल्स। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो LED पैनल, 60 हर्ज। और अगर इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो 20 वाट्स स्टीरियो स्पीकर, DTS HD। साथ ही हमें 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, मल्टीपल पोर्ट और ब्लूटूथ 4.2 एंड वाईफाई कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। साथ ही हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड्रॉयड ओरियो का भी सपोर्ट मिलता है। और अगर अगले टीवी की ओर बात करें तो कोडेक की तरफ से HDX स्मार्ट प्रो। और अगर टीवी फीचर्स की बात करें तो स्क्रीन 32 इंच, पिक्सल्स की अगर बात करें तो 1366x768 पिक्सल्स, कनेक्टिविटी पोर्ट्स की अगर बात करें तो 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, डिस्प्ले की अगर बात करें तो A+ ग्रेड पैनल, 0 डॉट, अल्ट्रा थिन बेजल, 60 हर्ज। साउंड की बात करें तो 20 वाट्स आउटपुट, इनबिल्ट बॉक्स स्पीकर। स्मार्ट टीवी की बात करें तो वाईफाई बिल्ड इन, एंड्रॉयड 7.0 पे बेस्ड है। साथ ही हमें A7 कोर प्रोसेसर के साथ 1GB रैम, 8GB रोम और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार एंड यूट्यूब का भी सपोर्ट मिलता है। अगले स्मार्ट LED की बात करें तो व्यू की तरफ से अल्ट्रा एंड्रॉयड LED। और इसके टीवी फीचर्स की अगर बात करें तो स्क्रीन 40 इंच, फुल HD 1920x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन। कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स। डिस्प्ले की बात करें तो A+ ग्रेड पैनल, हाई ब्राइटनेस पैनल, 60 हर्ज। साउंड क्वालिटी की बात करें तो 24 वाट्स आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो, DTS स्टूडियो साउंड। स्मार्ट टीवी की अगर बात करें तो बिल्ट इन वाईफाई, एंड्रॉयड 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर प्रोसेसर की बात करें तो इट हैज 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर एंड 1GB रैम एंड 8GB रोम। और अगर अगले स्मार्ट टीवी की बात करें तो LG की तरफ से HD रेडी स्मार्ट टीवी। LG की टीवी फीचर्स की बात करें तो स्क्रीन 32 इंच,
पिक्सल्स की अगर बात करें तो एच डी रेडी 1366x768 पिक्सल्स। कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करें तो 2 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट्स। डिस्प्ले की बात करें तो IPS LED पैनल, 50 हर्ज एक्टिव HDR। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो 10 वाट आउटपुट। और अगर स्मार्ट टीवी की बात करें तो वेब ऑपरेटिंग सिस्टम से चलती है। और वाईफाई ब्लूटूथ की बात करें तो इन सभी टीवी में वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ड है। और रैम और रोम की बात करें तो 1GB रैम एंड 8GB रोम, जिसमें आप मूवीज एंड गेम्स का एंजॉयमेंट उठा सकते हैं। अगर मैं ये स्मार्ट LED टीवी की प्राइस रेंजेस की बात करूँ तो ये सभी स्मार्ट टीवी अप टू 20,000 की रेंज में आती है। अगर आपको बाय करनी है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं।